चिल्ड्रेन फिगर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तीन लोग जो हैं वो हंस रहे हैं, और वल्ली बेचारी जो है वो शर्मिंदा होकर के बैठ गई है, और ये जो आपका जो कंडक्टर जो है वो कितना मजाकिया मिजाज में हंस रहा है। तो आगे क्या होता है, लेट अस सी। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग। कंडक्टर जो था वो मुस्कुराते हुए पूछा कि मैडम क्या अब हम लोग बस को शुरू कर सकते हैं। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस। अब कंडक्टर जो था उसके हाथ में जो सीटी थी उस सीटी को वो दो बार बजाया, एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विथ अरोर। और बस जो थी वो दहाड़ते हुए, यानी कि बस का जो आवाज़ जो होता है वो खुर 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 करते हुए आगे की ओर चल दिया। इट वॉज अ न्यू बस। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लिमिंग वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्रिप्स एलोंग द साइड्स। ये जो बस जो थी वो अभी नई बस थी और ये काफ़ी चमक रही थी, और इसका जो पेंटेड जो था, यानी कि जो पेंट इसका जो था वो वाइट कलर से बस को पेंट किया गया था, और इस पे हरे रंग के स्ट्रिप्स यानी कि किनारे किनारे में चिपकाए गए थे कुछ, जो काफ़ी चमकने लायक होता है। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर। अंदर बस में सर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसे लटकाई गई थी जो कि चमचमा रही थी सिल्वर के जैसे। जैसे बस में आप बैठते होंगे तो बहुत सारे डेकोरेशन जो है वो हमारे सीट के ऊपर रहता है, जहाँ पे हम बैठते हैं ऊपर में, ताकि वो बस को काफ़ी खूबसूरत लग सके। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली, वल्ली के बिल्कुल सामने, अबव द विंडशील्ड, जहाँ पे खिड़की का किनारा जो होता है विंडशील्ड पर, देयर वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक। एक बहुत ही सुंदर घड़ी था। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस। बस के जो सीट जो थे वो बहुत ही मुलायम और बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस यानी कि आरामदायक थे। वल्ली डिवॉर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज, बट वेन सी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड सी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई अ कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। अब वल्ली जो थी वो क्या करने लगी कि बाहर जितनी भी चीज़ें थीं उन सभी चीज़ों को देखने लगी, लेकिन जब वो अभी तो वो अंदर देख रही थी सारा चीज़, वो बस के अंदर की चीज़ों को देख ली, लेकिन जब वो बाहर की चीज़ों को देखने के लिए उठी, सोची कि मैं बाहर की चीज़ों को देख सकूं, एंजॉय कर सकूं, सी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई अ कैनवास ब्लाइंड। लेकिन बाहर में जो खिड़की जो होता है वहाँ पे एक कैनवास टाइप का टांगा हुआ था, पर्दा टाइप का, जिसकी वजह से वो पूरा कवर हो जा रहा था। लोअर पार्ट जो विंडो का जो था वो कवर हो जा रहा था, जिसकी वजह से वो उसे दिखाई नहीं दे रहा था। सो सी स्टूड अप ऑन द सीट। इसलिए वो अपने सीट पर खड़ी हो गई, एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और वो बाहर देखने लगी। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ अ कैनाल। अब जो बस जो थी वो एक ऐसे रास्ते से गुजर रही थी जहाँ पे एक कैनल था। द रोड वॉज वेरी नैरो। वहाँ की जो सड़कें जो थी वो बहुत ही ज़्यादा पतली थी। ऑन वन साइड देयर वॉज द कैनल। एक किनारे जो था वो कैनल तालाब था, एंड बियॉन्ड इट, और उसके बगल में पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड ब्लू ब्लू स्काई। और बड़े बड़े जो पाम ट्रीज जो थे, ग्रास लैंड जो थे, घास वाले जहाँ पे जो जमीन होते हैं ना, जहाँ पे बड़े बड़े घास उगते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रास लैंड। दूर से शहर भी उसे दिखाई दे रही थी, और उसे पूरा का पूरा आसमान जो कि पूरी तरीके से ब्लू था, ये सारी चीज़ें उसे दिखाई दे रहे थे। ऑन दी अदर साइड, दूसरे किनारे पर, वॉज अ डीप डिच, एक बड़ा सा गड्ढा था, एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, और कई एकड़ में ग्रीन फील्ड यानी कि हरे खेत थे। ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी। जहाँ तक वल्ली का नज़र पहुँच पा रहा था हर जगह उसको हरे हरी हरी चीज ही दिखाई पड़ रही थी, यानी कि हर जगह केवल हरे घास, पेड़ पौधे जो थे या फील्ड जो थे वो केवल दिखाई दे रही थी। ओह,
इट वॉज़ ऑल सो वंडरफुल, ये सभी चीज़ें तो बहुत ही शानदार रोचक थीं। सडनली सी वॉज स्टार्टल्ड बाई अ वॉइस, अचानक से वल्ली जो थी वो एक आवाज़ को सुनी और उस आवाज़ को सुन कर के वो घबरा सी गई। लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, जो आवाज़ आया यानी कि जिसने भी बोला था उस आवाज़ से यही बोला जा रहा था, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, देखो तुम्हें इस तरीके से अपने सीट पर खड़ा नहीं होना चाहिए, सिट डाउन, और तुम अपने स्थान पर बैठ जाओ। सिटिंग डाउन, बैठ करके, सी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, वो यह देखने के लिए मुड़ी कि किसने उसे बोला। इट वॉज एन एल्डरली मैन, यह एक बड़ा सा आदमी था कोई, हु हैड ऑनेस्टली बीन कॉन्सर्न्ड फॉर हर, जो इस लड़की को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सावधान था, यानी कि उसे चेतावनी दे रहा था कि बेटा आपको इस तरीके से बस में खड़ा नहीं होना चाहिए, बैठ जाइए। बट सी वॉज अनवाइड बाई हिज अटेंशन, लेकिन जब वो आदमी इसे बोला तो लड़की जो थी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा गई, क्रोधित हो गई, मतलब ये नहीं चाहती थी कि कोई इसकी खुशियों में इंटरप्ट करे, दखल अंदाजी करे। देयर इज नो बडी हियर हु इज अ चाइल्ड, सी सेड हॉटली, अब भली जो है वो घमंड में आकर के, वो क्या बोलती है, घमंड तो नहीं बोल सकते लेकिन एक तरीके से ऐसा ही लगता है, भली जो थी वो बोली कि देखिए यहाँ पर कोई चाइल्ड नहीं है, कोई छोटा बच्चा नहीं है, आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स, जिस तरीके से सभी ने पैसे दिए हैं उन लोगों के जैसा बिल्कुल मैंने भी 30 पैसे दिए हैं, तो मैं कैसे चाइल्ड हो गई, अगर मैं चाइल्ड होती तब तो मेरा पैसा नहीं लगना चाहिए या तो फिर कुछ कम लगना चाहिए, तो जब कम लगा ही नहीं और मैंने पूरा का पूरा पैसा भी दिया है तो मैं किस तरीके से चाइल्ड हो गई। द कंडक्टर चिम्ड इन, अब जो कंडक्टर जो था वो फिर से खिलखिलाने लगा, मुस्कुराया, ओह सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम, अरे सर आप नहीं जानते हैं यह बहुत बड़ी हैं, ये काफ़ी समझदार हैं, डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, क्या आपको लगता है कि एक छोटी सी लड़की जो कि अपने से पैसा चुका करके फेयर दे करके अकेले वो ट्रैवल कर सकती है, वो भी एक शहर में, बिल्कुल नहीं सर आप गलत सोच रहे हैं। वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड, अब वल्ली जो थी वो गुस्साते हुए कंडक्टर को देखी और बोली, आई एम नॉट अ मैडम, देखो मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट, इस बात का तुम याद ख्याल रखो, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और देखो तुमने अभी तक मुझे मेरा टिकट भी नहीं दिया है। आई विल रिमेंबर द कंडक्टर सेंड, मिमिकिंग हर टोन, अब कंडक्टर जो था उसका नकल करते हुए, यानी कि जिस टोन में, जिस लफ्ज़ में, जिस आवाज़ में बल्ली बोल रही थी उसी आवाज़ में ये उसका मिमिक्री करते हुए, कॉपी करते हुए, नकल करते हुए बोला, जी मैडम मैं बिल्कुल इस चीज़ का याद रखूँगा, ख्याल रखूँगा। एवरी वन लाफ्ड, अब सभी लोग जो थे वो हंसने लगे, एंड ग्रेजुअली वल्ली टू ज्वाइंड इन द लाफर, और जब सभी लोग हंसने लगे तो भल्ली जो थी वो भी इस हंसी में शामिल हो गई। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, कंडक्टर जो था वो एक टिकट को पंच किया और वो उसे उस टिकट को वल्ली को दे दिया। जस्ट सीट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, एक बार फिर से कंडक्टर जो था वो बल्ली से बोलता है कि आप अपने सीट पर अच्छे तरीके से बैठ जाइए और आप अपने आप को कम्फर्टेबल महसूस करिए। वाई शुड यू स्टैंड वेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, जब आपने बैठने के लिए एक सीट के लिए पेमेंट किया है, जब आपने पैसे को जो किराया बस का है उसे जब आपने दिया है, तो फिर आप खड़े होकर के क्यों जा रही हैं, आप अपने सीट को क्यों इंजॉय नहीं कर रही हैं। बिकॉज आई वॉन्ट टू सी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन,
क्योंकि मैं चाहती हूँ, वो जवाब दी, क्योंकि मैं खड़ा हो करके ही जाना चाहती हूँ, तो फिर तुम्हें क्यों ऐतराज़ है? बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ वेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प। देखो, अगर इस तरीके से तुम खड़े रहोगी और बैठोगी नहीं, तो बस जो है वो कभी क्या होगा कि अगर कहीं भी टर्निंग आएगा, मुड़ाव आएगा, और वहाँ पे जब बस मुड़ेगी या किसी चीज़ से टकराएगी, गड्ढा आएगा, तो फिर तुम्हें चोट लग जाएगा और तुम जख्मी हो जाओगी। दैट इज़ वाई, यही कारण है, वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। बेटा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ कि तुम अपने सीट पर अच्छे तरीके से बैठ जाओ। अब फिर क्या होता है, अभी तो उसे मैडम मैडम बोलने पे वो गुस्सा हो रही थी, अब यहाँ तो कंडक्टर ने चाइल्ड भी बोल दिया। तो अब यहाँ पे इस लड़की का क्या एक्सप्रेशन है, लेट अस सी। आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई टेल यू। देखो, मैंने बोला ना कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। सी सेड इरिटेबली, वो इरिटेट होते हुए बोली, आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। ऑफकोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी। अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। 8 years, हाँ, 8 साल की, माई। अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप 8 साल की हैं। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम। अब बस जो थी वो रुकी और कुछ नए पैसेंजर्स जो थे वो बस के अंदर चढ़ गए, और कंडक्टर जो था वो बिजी हो गया, यानी कि आप समझ सकते हैं कि वो टिकट काटने में पैसेंजर व्यस्त हो गया होगा। आफ्टर ऑफ लॉसिंग हर सीट, उसके सीट भूल जाने पर, यानी कि अब बल्ली को लगने लगा कि कहीं सच में उसका सीट जो है वो कोई दूसरा ना ले लेगा, बल्ली फाइनली सैट डाउन, बल्ली जो थी वो अंततः सच में अपने सीट पर बैठ गई। एन इल्डरली वुमैन केम एंड सैट बिसाइड हर। एक बड़ी औरत आई और आकर के वल्ली के बगल में बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, सी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन। जब बस चलना शुरू हुआ तो उस औरत ने वल्ली से पूछा कि बेटा, क्या तुम अकेले यात्रा कर रही हो, क्या तुम अकेले ट्रैवल कर रही हो? वल्ली फाउंड द वुमेन ऐप सल्यूटली रिपल्सिव, सच बिग होल्स सी हैड इन हर ईयर्स लोब्स एंड सच अगली ईयर रिंग्स इन देम। बल्ली जब उस औरत को देखी तो वो बहुत ही ज़्यादा उसे अचंभित महसूस हुआ, क्योंकि वो जो औरत जो थी वो बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे उसे डिसलाइक कर देना चाहिए, बिल्कुल विचित्र तरीके से लग रही थी, जैसे उसका जो ईयर जो था उसमें बड़े बड़े होल्स जो थे, कान जो थे, और साथ ही साथ जो उसका जो ईयरिंग्स जो था वो बहुत बड़े बड़े, बहुत ही खराब गंदे तरीके के ईयरिंग्स पहने हुई थी। एंड सी कुड स्मेल द ब्रिटल नट द वुमेन वॉज च्यूइंग, और वो औरत जो थी वो पान चबा रही थी जिसका स्मेल भली सूंघ सकती थी। एंड सी द ब्रिटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ऑल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट। अब भल्ली जो थी जब ये चीज़ देखने लगी कि वो पान को चबा रही है, किसी पल उसका जो, मतलब उसका जो क्या बोलते हैं, बेटल जूस जो है, जो पान का जो रस जो है वो किसी भी पल गिर सकता है, तो इस चीज़ से भल्ली बहुत ही ज़्यादा घबरा गई और वो उसे डिसलाइक कर रही थी। ओह, हु वुड बी सोशल विथ सच अ पर्सन। अब लड़की जो थी बोली, ओह, ऐसे लड़कियों के साथ, सॉरी, ऐसे औरतों के साथ कौन बैठ सकता है? अब वो बोली, यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन। हाँ बिल्कुल, मैं अकेले यात्रा कर रही हूँ। सी आंसर्ड कॉर्टली, वो इस तरीके से जवाब दी जैसे उसमें कोई उसका इंटरेस्ट ना हो, प्लेजर ना हो, खुश ना हो। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और वो बोली कि हाँ बिल्कुल, और मैं अकेले ट्रैवल भी कर रही हूँ और मैंने टिकट भी लिया है। यस सी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर।
कंडक्टर जो था वो बोला कि हाँ बिल्कुल, और ये मैडम जो है, लड़की जो है वो वापस, सी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, ये शहर को जा रही हैं विथ अ 30 पैसे टिकट, और इन्होंने 30 पैसे का टिकट भी लिया है। ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, अब जो बल्ली जो है वो बोलती है, अरे आपको समझ में नहीं आ रहा, आप अपने काम पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे कि बार बार मेरे बारे में बात कर रहे हैं। सेड वल्ली, वल्ली बोली, बट सी लाफ्ड ऑल द सेम, लेकिन जब वो बोल रही थी, ऐसा बोल रही थी, तो इस समय वो हंस रही थी। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और ऐसा देख करके कंडक्टर जो था वो भी हंस पड़ा। बट द ओल्ड वुमैन वेंट ऑन विथ हर ड्राइवल, लेकिन वो जो औरत जो थी वो अपने बकवास बातों को करते गई। इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, जैसे वो बोल रही थी कि क्या इतने छोटे बच्चे को, इतनी छोटी बच्ची को अकेले यात्रा करना चाहिए। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम्हें ये भी पता है कि तुम शहर में कहाँ जा रही हो। वॉट इज द स्ट्रीट, तुम कौन से गली में जाओगी, कौन से सड़क पे जाना है तुम्हें। वट इज़ द हाउस नंबर, तुम्हें कौन से घर में जाना है। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, देखो तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वल्ली सेड, बल्ली बोली कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, वो अपना चेहरा बाहर खिड़की की ओर कर लेती है। हियर इट इज सीन थ्री, ये सीन थ्री रहा चिल्ड्रन। हर फर्स्ट जर्नी, वट केयरफुल पेन स्टेटिंग एलेबोरेट प्लान्स सी हैड हैड टू मेक फॉर इट, वो काफ़ी अच्छे तरीके से प्लान की थी कि वो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे जाएगी, इंजॉय करेगी। सी हैड थ्रिप्टली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे क्वाइंस केम हर वे, जो भी पैसे उसे मिलते थे, जो भी सिक्के, उन सभी को वो काफ़ी अच्छे तरीके से चुरा चुरा करके बचा करके रखती थी। रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाई पेपरमिंट्स टॉयज बलून्स एंड द लाइक, जो भी चीज़ें जैसे पेपरमिंट हो गया, टॉयज खिलौने हो गए, बैलून हो गए, इन सभी चीज़ों को खरीदने के लिए जो उसे पैसे मिलते थे, उन सभी पैसे को वो बचा करके रखती थी। एंड फाइनली सी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे, और अंततः वह 60 पैसे बचा ली थी। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, उस लड़की के लिए कितना ये डिफिकल्ट हुआ होगा कि एक छोटी सी लड़की के लिए 60 पैसे इकट्ठा करना। बट सी हैड रिजोल्युटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मेरी गो राउंड, लेकिन उस लड़की ने निर्णय ले ली थी कि वो किसी भी तरीके से वो अपने इच्छा को पूरा करेगी। इवन दो सी हैड द मनी, यद्यपि कि उसे पैसे मिले या ना मिले, किसी तरीके से वो ट्रैवल करेगी ही। आफ्टर सी हैड इनफ मनी सेव्ड, जब वो पर्याप्त मात्रा में जितना उसे पैसे इकट्ठे करने थे, जब वो उतना पैसा इकट्ठा कर ली, बचा ली, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। तो दूसरा समस्या उस लड़की के लिए ये थी कि वो अपनी माँ के बिना पता चले वो कैसे वापस शहर भी जा कर के वापस वो अपने गांव आ सकती थी, ताकि उसकी माँ को पता भी ना चल सके। बट सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन वो इन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बिना समस्या के ही निपट गई, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं आए। जैसे क्या हुआ था, एवरी डे, प्रत्येक दिन आफ्टर लंच, लंच करने के बाद, दोपहर का खाना खाने के बाद, हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4, उसकी माँ जो थी वो खाना खाने के बाद 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक लगभग वो आराम किया करती थी, झपकी लिया करती थी। भल्ली ऑलवेज यूज्ड दीज आर्ज फॉर हर एक्सकर्शंस, वल्ली ये जो समय जो था उस समय में वो एक्सकर्स किया करती थी, यानी कि इधर उधर घूमा करती थी, भ्रमण किया करती थी।
as she stood looking from the doorway of her house.